हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो फिर दोस्तों, करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो मेरा हो गया है सुबह का काम, सुबह के बज रहे हैं 9। तो फिर दोस्तों, मैं अब गाय को नहलाती हूँ, बाकी काम मेरा हो गया। उसके बाद मालू की पूजा होगी आज, और फिर डेली ब्लॉगिंग मैं करूँगी अभी। तो मैं मालू को नहलाने लग गई दोस्तों, देखो। तो दोस्तों, इससे कमेट होता है, कमेट से गाय को ऐसे लगाते हैं, पता नहीं डप्पा बोलते हैं इसको। और फिर मालू को माला आला पहनाएंगे। मालू के लिए मैं माला लाई हूँ। तो कोको को देखो, कोको सोच रहा है क्या कर रहे हैं करके। तो दोस्तों, मैंने मालू को नहला दिया है। मालू को नहलाने के बाद अब मैं बना रही हूँ मंदिर में के लिए मिठाई। इस बार हम बाजार से नहीं लाई मिठाई, हम घर ही में बना रहे हैं। तो वो मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू, गुलाब जामुन और बालूशाही मिठाई। तो देखो, अभी मैं सिर्फ आपको बेसन के लड्डू दिखा सकती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी तो कभी शॉर्ट्स में डालूँगी बाकी। तो देखो, तो मैंने रख दी है कढ़ाई, उसमें डालूंगी मैं 1 कटोरी घी और 1 कटोरी, मतलब इस कटोरी के 1 कटोरी घी डालूंगी, इसी कटोरी के 1 कटोरी बेसन। अगर कम, जैसा आपको अपने हिसाब से रख सकते हो, आप ज़्यादा चाहिए तो आप 2 कटोरी डाल सकते हो। और उसके बाद मैं चीनी मिक्सर करूंगी, चीनी को मिक्सी में पीस के, फिर उसके बाद और काजू बादाम जो जो आप डालना चाहते हो उसको काट लो अच्छे से बारीक करके, महीन करके। तो फटाफट से बनाते हैं दोस्तों। तो मैंने ये चीनी भी मिक्सी में पीस ली है, सब चीज़ तैयार रखूँगी तब जाके होगा, नहीं तो फिर वो हो जाता है जल जैसा जाएगा। फटाफट से बनाते हैं। तो ये डाल दिया मैंने बेसन, अब फटाफट से लड्डू बनाते हैं दोस्तों। दोस्तों, मैंने अच्छे से बेसन को घी में फ्राई कर लिया है और सब कुछ मिक्स कर लिया इसमें, चीनी भी, काजू बादाम जो भी थे मिक्स करके। अब मैं बना रही हूँ लड्डू, देखो कैसे बन रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए मुझे। तो ये देखो, उसको बन रहे हैं मेरे गोल गोल, तो ये बन गए हैं मेरे लड्डू, बन के तैयार हो गए। इसमें मैंने ऊपर से नारियल डाला है, अच्छा सा टेस्ट आता है। तो मैं इनको मंदिर में रख के आती हूँ। गुलाब जामुन भी मेरे तैयार हो चुके हैं, तो मैं दोनों को मंदिर में रख के आती हूँ। तो ये बन गई मेरी मिठाई, बनके तैयार। अब जाते हैं हम सीधे मंदिर की ओर। तो ये है दोस्तों हमारा मंदिर, मैंने तैयार कर रखा है, आधा आधा करना है। यहाँ पे काला हो गया पूरा तेल से, तो यहाँ पे ना दोस्तों तेल गिरने की वजह से, दिया जलाने की वजह से हमारा काला हो गया, निकलता ही नहीं है गर्म पानी से गिरते। तो अब मैं यहाँ पे बना लेती हूँ जल्दी से रंगोली छोटी सी, इस बार छोटी सी ही बनाऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मिठाई मिठाई बनाने में। तो दोस्तों, मेरी रंगोली बनके तैयार हो गई है, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जल्दबाजी में बनाया क्योंकि लेट हो गई हूँ मैं, मंदिर भी तैयार करना है। ये हमारा मंदिर। तो ये मैंने इस बार घर के लड्डू खुद बनाए थे, कैसे बन रहे हैं अब वो तो टेस्ट करके पता चलेगा। तो मैंने मंदिर में रख दिए हैं। तो हमने गन्ने भी लगा दिए हैं। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल हो गई हूँ तैयार, अब पूजा की तैयारी करते हैं। पहले दिए जलाते हैं, दिए ये बाहर रख के आती हूँ मैं। तो फिर उसके बाद वो भी ड्यूटी से आ जाएंगे, उसके बाद हम पूजा करेंगे। कोई बात नहीं, जूम कर लेता हूँ। तो
तो दोस्तों मैंने दिए ये जला दिए, देखो अब मैं बाहर लगाती हूँ दियो को। और ये देखो मेरा मंदिर भी तैयार हो रखा है, ठीक है, वो भी आ चुके हैं, अब हम लोग करते हैं पूजा। तो नोनू बोला है मैं करूँगा आज टीका, देखो अब वो टीका लगा रहा है सबको, अपनी अम्मा को लगा दिया, मेरा लगा रहा है, पापा को लगाएगा। देखो देखो पंडित हमारे छोटे पंडित, ये देखो गुड यार, नमस्ते नहीं बोलेगा ना, वहां पे बैठ जा। तो दोस्तों हमारी पूजा वूजा हो गई है, अब देखो ये पटाखे जला रहे हैं शुभम और मयंक, अंकु और इसके पापा फुलझड़ी जला रहे हैं। देखो बुझ जा रही है बीच बीच में ये फुलझड़ी, ये देखो बच्चे देखो चश्मा पहना है क्योंकि रेड रेड दिख रहे हैं, तो खोलते हैं पटाखे। देखो वहां से देख भागो, बड़ा वाला बम की आवाज आ रही है, इस वो पत्थर ही फोड़ देता है। अब एक शुभम जला क्या, एक अंकु बाबा, इसके बाद मेरी बारी है जलाने की, जा पकड़ ले जा ना। बाबा अंदर तक आया रे हूं मैं, मिल गया, हां कान टूटा तो पकड़ के जा, अखित अखित बनाने वीडियो भाग नहीं, इसको देख रहे लाल हो रहा है, फुलझड़ी दिखा। हाँ यहाँ देखो, वहाँ जाओ
और बेकार दे दिया दिला और आंख में चुको मेरे आंख में बहुत लाल लो उस से लाओ मां बस सारे फोड़ दिए रुक जा बात खोल ले किधर है होदा पड़ा गया अब ले वो घूमे गई नहीं मां तो अभी मेरा बढ़िया तो दोस्तों हमने पटाखे टाके फोड़ लिए हैं। अब मैं खाना ना बना लेती हूँ, रात हो गई है बहुत ज़्यादा, 9 बज गए हैं, तो जल्दी से खाना बनाती हूँ। मेरी दीपावली तो बहुत अच्छी गई, मैंने ऐसे बनाई, आप लोगों ने कैसे बनाई दीपावली? फिर से दीपावली की सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। तो फिर दोस्तों बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। बाय दोस्तों।